हे एवरीवन वेलकम टू द चैनल तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट यू डी तो था ट्वेंटी का जो आपका सिलेबस है उसके बारे में जी हाँ दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा है क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स आपके हैं कि आपका जो नीट का सिलेबस है वो चेंज हो चुका है उसमें अपडेट आ चुका है तो आज हम इसके सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाले हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना कहीं भी स्किप मत करना और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेलाइकिन को प्रेस कर लेना क्योंकि हर एक अपडेट भले ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड हो आपकी फ़ीस से हो आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हो आपकी फिंगरप्रिंट्स से आपके कोई भी अपडेट हो आपकी कोई भी क्वेरी जो सारी सारी चैनल इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल पे बने रहना तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो आप देख सकते हो जो ए एन टी ने ऑफिशियली सिलेबस आपको जो रिलीज़ करा है नीट का यह यहाँ मैंने वो ओपन कर रखा है आप देख सकते हो पहले बात करते हैं फिजिक्स की क्लास इलेवंथ की तो यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं आपके फिजिकल वर्ल्ड डायनाटिक्स लॉज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी एंड पावर मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी ग्रेविटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर थर्मो डायनामिक्स ऑसोलेशन वेवस यहाँ पर आपका ट्वेल्थ का दे रखा है इलेक्ट्रोस्टेटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ऑप्टिक्स है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये सारा दे रखा है ठीक है बात करिए केमिस्ट्री के, के सिलेबस की आपके तो ये है सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिकल बॉन्डिंग थर्मोडानेमी इक्िविर रिडॉक्स रिएक्शन हाइड्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट्स हाइड्रोकार्बन इनवामेंटल केमिस्ट्री आपको इलेवनथ का दे रखा है वही बात करें क्लास ट्वेल्व की तो सॉलिड स्टेट सल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल कैनेटिक्स सर्फेस केमिस्ट्री पी ब्लॉक डी एन एफ ब्लॉक कॉर्डिनेशन कंपाउंड हेलो हैलोलिक्स एलोरिन एल्कोहल फिनॉलॉस एंड ईथर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेंट नाइट्रोजन बायो मालिक्यूल्स पॉलिमर्स ये आपको ट्वेल्थ का सिलेबस दे रखा है वही बात करें आपकी बायोलॉजी के, बायो के सिलेबस की तो डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स सेल स्ट्रक्चर प्लांट फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी इलेवंथ का है आपका वही बात करें क्लास ट्वेल्थ की तो रिप्रोडक्शन जेनेटिक एंड इवोल्यूशन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर बायोटेक एंड इकोलॉजी ये आपका ट्वेल्थ का दे रखा है वही आपको डिटेल में कि कौन कौन से टॉपिक से अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ दे रखा है हर आपके यूनिट से कि आपके फिजिक्स में आपके कैनामेटिक्स से क्या पूछा जाएगा आपके लॉज ऑफ मोशन से आपके मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी से इस तरीके से आपको सब का दे रखा है यहाँ पे आप इजीली आराम से स्क्रॉल डाउन करके इस पी से देख सकते हो क्योंकि आपके टॉपिक से बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया है कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आए हैं आपके सिलेबस में जो भी हो माइनर से भी चेंजेस हैं तो आपको मैंने पूरे के पूरे बताए हैं सिलेबस आपका एज इट इज़ है पी सी आपका है, आएगा इलेवन प्लस ट्वेल्थ का बाकी आप इसको देख सकते हो अगर फिर भी फर्दर कोई क्वेरी रह जाती है आपकी तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो और हाँ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि कोई भी अपडेट हो आपका नीड्स रिलेटेड वो तो सारे के सारे आपको चैनल पे मिल रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर बने रहो थैंक्स एंड अ नाइस डे